आई थिंक कुछ अभी अभी ठीक हुआ. ओके ओके. अभी मैं लाइव आई थी अभी जस्ट, और मुझे मुझे लगता है शायद मेरे यहाँ नेटवर्क इशू था या क्या, आई डोंट नो. तो मुझे आप लोगों के मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था स्क्रीन पे, तो इसके लिए मुझे बंद करना पड़ा. सो अभी मैं वापस से नेटवर्क कनेक्ट करके मैं लाइव आई हूँ. तो होप कि आप लोगों को दिख रही हूँ मैं. मुझे अब दिखने शुरू हुए आप लोगों के कमेंट्स. सो नमस्कार, प्रणाम. मैं हूँ प्रियंका सिंह, और अभी कुछ देर पहले नेटवर्क इशू हो गया था शायद, मुझे लगता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुंबई में जो है वो महातूफान जो आने की जो आशंका थी वो आई थी. लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि आप सबके आशीर्वाद से, सबकी दुआ से, ईश्वर के आशीर्वाद से यहाँ पर सब कुछ ठीक है. मुंबई के लोग भी ठीक हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और इस वक्त आप सबसे बात कर पा रही हूँ. सो पुनः आप सबको एक बार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ. मैं प्रियंका सिंह, और इस वक्त मैं भोजपुरी स्टार कलाकार के पेज से लाइव हूँ, जिसके ऑनर हैं राजीव राजीव ओझा जी और भोजपुरिया काका अरुण सिंह जी. और इन दोनों के माध्यम से, इस पेज से सभी कलाकार जो हैं वो आप सबसे रूबरू होते हैं, आप सबसे बातें करते हैं. तो फैसिनेटेड शुक्ला, सुपर गु बजरंग शाह, हाय, हेलो, हाय. गौतम चौधरी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? भोजपुरिया भाई, आपका मेरे पेज पर स्वागत है. माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. पुनीत राज, प्लीज प्लीज स्टे होम मैम. जी मैं घर पर ही हूँ, अपने मुंबई में हूँ, और मुंबई का जो मेरा घर है अभी फिलहाल वहीं पर हूँ, और वहीं से आप सबसे बातचीत कर रही हूँ लाइव. और आप सभी को पता ही है कि मुंबई के क्या हालात हैं. यहाँ अभी भी बारिश अभी तो रुकी हुई है, बट बहुत तेज़ हवाएं यहाँ पर थी कल रात. कल से ही मौसम यहाँ ठीक नहीं है, बादल था कल भी, आज भी है, और बहुत ज़ोर की बारिश भी हुई है. मौसम भी ठीक नहीं है, सभी को बहुत डर था. मैं भी बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा. लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, माता रानी महादेव के आशीर्वाद से अभी सब कुछ ठीक है यहाँ पर, और जो महातूफान था वो टल गया है. और मैं आशा करती हूँ कि जो गुजरात के तरफ जो भी गया है ये साइक्लोन, वहाँ भी लोग सुरक्षित रहें, किसी को कोई नुकसान ना हो, पर्सनल किसी भी इंसान का कोई नुकसान ना हो. ये मैं माता रानी और शिव जी से दुआ करती हूँ. और रात भर मुझे नींद भी नहीं आई है, यही सोच के कि पता नहीं कल की सुबह कैसी होगी. लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, माता रानी महादेव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है, और आगे भी अच्छा रहेगा, और जल्द से जल्द हम कोरोना नामक महामारी से भी निजात पाएंगे माता रानी और महादेव के आशीर्वाद से. अशोक गुप्ता, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ अशोक गुप्ता जी, आप कैसे हैं? सिंगर मनीष लाल, मुंबई में अच्छे से हैं जी. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नीतेश सिंह जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सिकंदर खान, सुपर, थैंक यू. अजीत विश्वकर्मा, गुड लक, थैंक यू सो मच. संतोष कुमार, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं संतोष जी? माँ थावे वाली का कुछ भजन सुनाई जी, जरूर. तो आई थावे वाली के नाम आप लेनी हैं तो हम भी वहाँ के रहे वाला हैं, गोपालगंज के, और गोपालगंज के बगल में थावे धाम बा थावे माई के, तो वहीं से शुरुआत करत हनी माँ के भजन से. थावे की भवानी चला सके.
चावे की भवानी चला सखे देखिया, थावे की भवानी हो, थावे की भवानी हो, थावे के भवानी चला सखे देखिया, थावे के भवानी चला सखे देखिया। के हो चढ़ावेला लड्डुआ मिठैया हो, के हो चढ़ावेला लड्डुआ मिठैया हो, के हो चढ़ावेला हाँ, के हो चढ़ावेला भैंसा बलिदान, भैंसा बलिदानी, भैंसा बलिदानी। आ चला सखी देखियाई थावे की भवानी, चला सखी देखियाई थावे की भवानी, चला सखी देखियाई थावे की भवानी, चला सखी, चला सखी, चला सखी देखियाई थावे के भवानी, चला सखी देखिया, चला सखी देखिया, चला सखी देखिया। ये सॉन्ग जो है वो मैंने अपने चैनल के माध्यम से गाया हुआ है, चला सखी देखिया थावे की भवानी, और ये फोक गाना है। जो इस गाने को मेरी माता जी ने और मेरे गुरु सुनील दुबे जी ने मुझे सिखाया था, उन्होंने ही बताया इसका लिरिक्स भी, और इसको मैंने फ्यूज़न फॉर्म में, फोक गाने को फ्यूज़न फॉर्म में अपने चैनल प्रियंका सिंह ऑफिशियल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से मैंने इसको प्रस्तुत भी किया है। तो आप सबसे मैं चाहूँगी कि आप लोग जो भी मेरा मेरे चैनल पे जो नहीं जानते हैं, या बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, तो आप जाएं प्रियंका सिंह ऑफिशियल पे और उस पर मेरा ये गाना है, और भी बहुत सारे गाने हैं जिसको मैंने फोक गानों को, भोजपुरी फोक गानों को, अवधी फोक गानों को, मीराबाई को, कबीर दास जी को, अमीर खुसरो साहब को, और न जाने अनगिनत बहुत सारे जो सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स, इंडियन फोक, भोजपुरी फोक, सबको मैंने फ्यूज़न फॉर्म में अपने चैनल प्रियंका सिंह ऑफिशियल के माध्यम से गाया है, प्रस्तुत किया है। तो मैं आप सबसे चाहूँगी कि आप सभी लोग जैसे मेरे बाकी गानों को प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं मेरे फिल्म के गाने को, एल्बम के गाने को, उसी तरह से आप लोग मेरे इन गानों को भी सुनिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है, और मुझे बताइए कि और आप किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, तो मैं वो भी प्रयास करूंगी कि वो भी बना पाऊं। शुक्ला मैम ये प्लीज ये भी सुना दो, ध्रुव यादव पातर पातर पान के डंटी। मुझे लगता है ध्रुव यादव जी आप मेरे हर लाइव सेशन में जुड़ते हैं और इस गाने की ही फरमाइश करते हैं, आपको ये गाना लगता है बहुत पसंद है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना भोजपुरी पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे भोजपुरी। जी क्या बात है, बहुत सही कहा आपने, सबसे आगे ही रहेंगे और हमेशा लीड करेंगे, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए भोजपुरी को लीड करने के लिए, आप सभी श्रोताओं का आशीर्वाद चाहिए, सपोर्ट चाहिए। दीदी प्रणाम, क्या हाल है अनुराग दुबे? अरे अनुराग प्रणाम प्रणाम, खुश रहो, कैसे हो तुम बताओ, अच्छे से रहो, गोपालगंज में सुरक्षित रहो। संजय सिंह वेरी गुड, थैंक यू सो मच। राजीव कुमार मैम आप अभी कहाँ से है? जी मैं अभी मुंबई से लाइव हूँ, मुंबई में जो मेरा घर है, आपके साथ गाने के लिए कैसे कॉन्टेक्ट करें? जी आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं आप मुझे, और क्या हाल है सोनू राजा? मैं ठीक हूँ सोनू जी, आप कैसे हैं?
अखिलेश यादव जी नमस्कार, सोनू रजा कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अरुण सिंह जी हर हर महादेव नमस्कार, कैसे हैं आप भैया। सर्वानंद वर्मा आजाद नाइस थैंक यू। अनिश पांडे लव यू। संजय सिंह वेरी नाइस थैंक यू। कुमार नितेश जी जय हो नमस्कार, नितेश जी कैसे हैं आप। ध्रुव यादव प्रणाम दीदी जी प्रणाम प्रणाम। रंजन बर्नवाल तालीब साफी गुड इवनिंग कैसे हैं आप। ओपी सिंह प्रियंका जी कैसी हैं, कौन सा गाना आ रहा है आपका। जी मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी काफ़ी सारे गाने आने वाले हैं एल्बम के और फिल्मों के भी गाने जो मैंने गाए हुए हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा थोड़ा गाना जो है वो फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही हैं आप सभी को पता है तो, लेकिन एल्बम के भी काफ़ी सारे गाने हैं जो पहले से गाए हुए हैं वो सब आपके बीच जल्दी आएंगे गाने। अंशिका सिंह वाओ ऑसम थैंक यू। राजीव कुमार शाह नाइस सॉन्ग थैंक यू सो मच। अरविंद तिवारी हैप्पी न्यू। तिवारी जी एवं से इंतज़ार नहीं होता, आपका कमेंट स्किप हो गया, आप एक बार और लिख सकते हैं। धनिया मोर हिरा गैली ना ओके। कोई भी देशभक्ति सॉन्ग विजय यादव। भोजपुरी की लता अंशिका सिंह, अरे लता जी मेरी आदर्श हैं शुरू से ही बचपन से ही, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं दुलार देते हैं इसके लिए धन्यवाद आपका दिल से। नमस्कार नमस्कार, मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं। कोरोना से बचे हुए हैं जी अजय साहब ओके। आप भी सुरक्षित रहिए, कोरोना से अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, और निकलिए भी तो मुंह पे मास्क लगा के निकलिए, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिए। अफजल शेख कैसे हो आप। मैं अच्छी हूँ आप कैसे हैं। एक देशभक्ति गाने की फरमाइश हुई थी वो आपको दो लाइन सुनाती हूँ। सरहद के ओ पार ले जाके छा
रहल बा। हमही नुहाई विश्व गुरु इहे सबके बतला रहल बा। तिरंगा जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान। ये गाना भी आप मेरे चैनल पे सुन सकते हैं प्रियंका सिंह ऑफिशियल पे। इसको भी मैंने एक अलग तरह का अरेंजमेंट देके इसको गाने की कोशिश की है, एक ये भी फ्यूज़न स्टाइल में। तो इसको आप पूरा आप मेरे चैनल पे सुन सकते हैं। वाओ पुरुषोत्तम राठौर, वाओ थैंक यू सो मच। मिस्टर राज शर्मा आप कैसे हो? कोई नया देशभक्ति सॉन्ग कमेंट स्किप हो गया आपका, आई एम रियली सॉरी, मैं पढ़ नहीं पाई। कैसे हैं प्रियंका जी? आपका वॉइस बहुत स्वीट है। राम भोग पाल थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कि आप लोग इतना पसंद करते हैं। जय हिंद रवि कुमार चंद्रवंशी, जय हिंद। भोजपुरिया भाई राजीव ओझा जी, जय हिंद जय भारत। आपका परिवार कैसा है? अजय दुसाद जी, मेरा परिवार अभी बहुत अच्छा है, गोपालगंज में है, सब लोग सुरक्षित हैं और सब अच्छे हैं। निर्मल कुमार भारत माता की जय जी, भारत माता की जय, सदा जय, ऑलवेज हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्रशांत कुमार ओझा कैसी हैं दीदी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कुमार नितेश प्यार तो हो जाला सुनाइए। ओके ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके जितनी जो फरमाइश के जो गाने हैं वो मैं इस लाइव सेशन में सुना पाऊँ एक एक करके आप सभी को। कमेंट स्किप होते जा रहा है काफ़ी लोगों का, बहुत लोग लिख रहे हैं चूँकि, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स स्किप हो जा रहा है। विशाल राजपूत बिहार की शान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय जवान जय किसान विजय यादव जी, जय जवान जय हिंद जय किसान। अशोक बैठा कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं अशोक जी? आपकी आवाज़ गजब है अजय जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और दुलार आशीर्वाद देने के लिए, इसी तरह बनाए रखिए। और आप सबसे मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मेरा यूँ तो कई सारे गानों को आपने मेरे सॉरी फ़ोन आ गया था। सो मैं कह रही थी कि आपने यूँ तो भोजपुरी के जो मेरे जितने फिल्म के गाने हैं सबको आप बहुत प्यार देते हैं, दुलार देते हैं। और अभी रिसेंटली आपने मेरा एक और गाना जो सड़िया जब जब पहनी, जो क्रैक फाइटर फिल्म का गाना है और उसके जो नायक हैं वो पवन जी थे और चन्नी जी ने उस पर एक्ट किया था और जाहिद अख्तर जी का लिखा हुआ और संगीत है बाबा जी का, तो उसको आपने 100 मिलियन किया है, 100 मिलियंस आपने इस गाने को दिया है, तो उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। कि आपने तो बहुत सारे गाने जो हैं वो 100 मिलियन 200 300 मिलियन आपने किए हैं, लेकिन एक बार पुनः आपने मेरे इस गाने को भी 100 मिलियन दिया और प्यार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे ऊपर। और आप सबसे मैं इस लाइव सेशन में एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी लोग जो मैंने और भी जो काम किया है फिल्मों के अलावा, जो और भी मेरा जो काम है जो मैंने भोजपुरी में किया है, अपने तरफ से कोशिश की है, फिल्मों में आने के पहले से ही मैंने ये सब जो फ्यूज़न गाने हैं, फोक फ्यूज़न गाने या और भी अलग तरह का जो संगीत है, अवधि गानों को फ्यूज़न फॉर्म में गाना, इंडियन फोक सॉन्ग को भी फ्यूज़न फॉर्म में करके गाना, ये मैंने शुरू से ही किया है और आज भी कर रही हूँ और आगे भी करूँगी अपने चैनल के माध्यम से। तो आप सबसे चाहूँगी कि आप लोग मेरे इन गानों को भी सुनें और शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि भोजपुरी का जो मान और सम्मान है वो और इंटरनेशनल लेवल पर और ज़्यादा हो। तो अभी यहाँ पर लिखा था किसी ने कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भोजपुरी हमेशा आगे रहेगा, तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि आप जनता जनार्दन ही, आप लोग ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, किसी को भी अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे आप लोग ही लाते हैं, तो इट्स ऑल इन योर हैंड। शैलेश कुमार आपका आवाज़ बहुत मधुर है जी, बहुत शुक्रिया। विकास सिंह
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी। परमजीत कुमार कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आप तो भोजपुरी की लता हैं डॉक्टर द्वारिका सिंह जी, ये बहुत बड़ा सम्मान है। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर पाऊँ, ये सब आपका प्यार और दुलार है। निर्मल कुमार जादुई आवाज़ जी बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अर्श अर्शलन हाय हेलो। राजीव कुमार शाह मुझे आपका राजा कमेंट स्किप हो गया आपका सॉरी। प्रणाम कैसन बानी द्वारिका सिंह जी, जी प्रणाम हम ठीक बानी, आप कैसन बानी? यू विल ऑलवेज सपोर्ट लाइक गॉड गुड सिंगर। शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पारस तिवारी जी, बहुत थैंक यू। विकास सिंह प्रणाम प्रणाम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मोहम्मद तुकलर वाह अच्छा नाम है आपका, तुकलर वाह। सड़िया जब जब पहनी जी, इसी गाने को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, 100 मिलियन आपने इसको बार आपने सुना है, 10 करोड़ व्यूज़ आपने दिए हैं, और तो उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया है। रितेश राजपूत आप बहुत प्यारी लगती हो प्रियंका जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ में जादू है। सिंगर ब्रजेश सिंह कौशिक जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। प्रणाम कैसन बानी, हम बहुत अच्छा बानी, आप कैसन बानी आप बताएं। गानों की फरमाइश हुई थी और सैड सॉन्ग सुनाइए राजीव कुमार शाह जरूर, गोपालगंज की नवरत्न आप जी बहुत शुक्रिया आपका। आप भोजपुरी सॉन्ग गाती हैं वो हिट होता है जी, बस आप लोग ही ये सब आपका ही आशीर्वाद है, हम अपना बस काम करते हैं। अनुराग पांडे बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेरी दीदी, बहुत बहुत थैंक यू अनुराग। दूगो अकले बानी द्वारिका सिंह ओके। क्या हाल है सूरज सिंह जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सूरज जी? आपका सॉन्ग लगता है दिन रात सुनूं अमित कुमार यादव ओके थैंक यू। पातर पातर पान का डंटी ओके, प्यार तो हो जाला कुमार ने दे जी ओके। चलिए मैं इनमें से सारे कोशिश करती हूँ, मैं दो दो लाइन सारे गाने सुना पाऊँ आप सभी को। प्यार तो हो जाला ये मैंने एक मेरा एल्बम था जो मैंने कोशिश की थी कि एक अलग तरह का रोमांटिक सॉन्ग गाऊँ, आपने इस गाने को भी प्यार दिया और मैं चाहूंगी कि एक बार जिन्होंने ये गाना नहीं सुना है वो भी इसको सुने और बताएं कि कैसा लगता है। प्यार के बदले प्यार ही मिले
काफी पहले मैंने गाया था एल्बम में और आपने सुना है, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आप जिन्होंने नहीं सुना है वो इस गाने को जरूर सुने और मुझे बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगता है। कई ना जाला प्यार प्यार तो हो जाला, वीनस भोजपुरी से ये रिलीज है और मेरे चैनल यानी प्रियंका सिंह ऑफिशियल पे भी ये गाना उपलब्ध है, तो आप उस पर भी सुन सकते हैं। और किसी ने लिखा था पातर पातर पान करंटी बहुत बार लिख रहे थे, वो भी दो लाइन सुना देती हूँ आपको। ठीक नहीं खे बोझात तोहर नियत, डूबी मारे के बड़ा पानी पियत। ठीक नहीं खे बोझात तोहर नियत, डूबी मारे के बड़ा पानी पियत। आ कुछ करी बोझाता नजरिया हो, तपातर पातर पान के डंटी पातरे कमरिया हो। पातर पातर पान के डंटी पातरे कमरिया हो। दूगो रख ले बानी, ये भी दो लाइन सुनाऊंगी आपको। अरे बीजी कहाँ देर तक राही, आ सचे सचे हमारा से काही। बीजी कहाँ देर तक राही, आ सचे सचे हमारा से काही। छही तर तो हर जनतानी, तो एगो तू ही बाड़ू रानी। हम दिल से कहतानी गलत तू को रख ले बानी। गलत फहमी बातो हार कि तू को रख ले बानी। तो ये सब गानों की फरमाइश बहुत देर से हो रही थी, दो दो लाइन को आपको सुनाया मैंने। और राजू सिंह क्या लिखा आपने समझ नहीं आया मुझे, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हो तीरथ लाल यादव, जय हो जय हो। रमाकांत चौधरी नाइस वॉइस, थैंक यू सो मच। पूजा पांडे तू भुला गई लो हमके सुना दीजिए। ये सब गाने भी आप सभी ने सुने हैं, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि कल ना चला प्यार तू भुला गई लो एंड ये सब मेरे एल्बम के गाने हैं। ये दो लाइन आपको जरूर सुनाऊंगी मैं, सैड सॉन्ग है ये। ये सारे गाने आप मेरे चैनल पे सुन सकते हैं प्रियंका सिंह ऑफिशियल पे, और ये गाना वीनस से भी रिलीज हुआ था। जा 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 जान जा जा
जरी से दूर जा जा। ये सब गाने आपने सुने हैं, ये जान के मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये सब गाने भी आपने सुना। और ये सब बहुत पुराने गाने हैं मेरे, जो आई थिंक 2-3 साल पहले मैंने गाया था। ये सब एल्बम के गाने हैं मेरे जो मैंने शुरू स्टार्ट करा था। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप सब ने ये सब गानों की फरमाइश की, आपने सुना है। थैंक यू सो मच, लव यू दीदी। नाइस सॉन्ग राजीव कुमार शाह। थैंक यू सो मच राजीव जी। ध्रुवन यादव, प्रणाम दीदी जी, प्रणाम। आप कितनी बार प्रणाम करेंगे मुझे। दीपक कुमार, बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन भोजपुरी जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, ये सब आप लोगों का ही प्यार है, आशीर्वाद है, बनाए रखिए यूं ही। आप बहुत अच्छा गाती हैं पूजा पांडे जी, बहुत थैंक यू पूजा जी आपका, थैंक्स अ लॉट। एक वो भिखारी ठाकुर जी के गाना हो जाए दीदी, अनुराग दुबे, जरूर जरूर अनुराग। रहिया चले में सब, यानी अरे मैडम एक बार ये सुना दो प्लीज। युवराज सिंह, ओके, ये मुकद्दर फिल्म का गाना है। आप मुझे सबसे बेस्ट सिंगर लगते हो अजय दुसाद जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। मनोज विश्वकर्मा, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, वाह क्या बात है। ये सब फेवरेट गाने हैं मेरे जो मैं हमेशा गाती हूँ लगभग हर मंच पे जहाँ मुझे मौका मिलता है ये सब गाने का। तो आइए आपको दो दो लाइन ये सब सुनाते चलती हूँ। रिलिया बैरन पिया को लिए जा रहे, ये सॉन्ग मैं लगभग मुझे लगता है हर मंच पर ही गाती हूँ और दो लाइन आपको भी सुनाती हूँ। रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन। अजो नीति कसवा से पिया मुर जई है, जो नीति कसवा से पिया मुर जई है, बलमा मुर जई है, हो सैया मोर जई है। अब पानी बरसे टिकस गल जाए रे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन। और किसी ने, अनुराग ने भिखारी ठाकुर जी के भी गाने की एक फरमाइश की थी, वो भी सुनाती हूँ। एक गाना जो मैं, वैसे तो उनके सारे जो भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी साहित्य के शेक्सपियर कहे जाते हैं और हर इतिहासकारों ने उन्हें अलग अलग नाम से उन्हें नवाजा है, और उनकी रचनाएं गाकर अभी अभी के टाइम में जो भी सिंगर्स हैं गाते हैं, मैं भी गाती हूँ, तो उनकी रचनाएं गा के सिंगर्स जो है, काफ़ी सिंगर्स जो है वो उनकी रचना को गा के पॉपुलर हुए, उन्हें अपने जाना, उनकी रचनाओं को आगे लेकर आए। देसी नाटक है जो काफी पॉपुलर है उनका, उसका एक गाना आपको सुनाती हूँ जो मुझे भी पसंद है और लगभग मैं हर मंच पे गाती हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है गाने का इन सब गानों को। जब विदेशी जो है इसमें प्यारी सुंदरी जो उनकी पत्नी है, उनके पति जो है वो कलकत्ता पहले के टाइम में लोग कमाने चले जाते थे, रेलिया बैरन जो है वो भी इसी तरह का गाना था कि पहले जो लोग थे वो बाहर कमाने चले जाते थे और उस वक्त टेलीफोन तो था नहीं कि खबर कर दे कि भाई पहुंच गए हैं नहीं है, तो उसके लिए भी वो एक विरह भाव था कि लोग चले जाते हैं और घर की जो औरतें हैं वो अपना दुख दर्द जो है वो इस गाने के माध्यम से प्रस्तुत जो करती थी वही इन गानों में है। और इस गाने में भी ऐसा ही कुछ है कि विदेशी जो है विदेश चले जाते हैं यानी कलकत्ता, और प्यारी सुंदरी जो है वो
उनका जो भाव है वीरा का, वो रोती हैं और ढूंढ रही हैं, तो उसके लिए ये गाना है और बटुई से कहती हैं। फरमाइश की, थैंक्स अलॉट। साहिल रजवंशी, थैंक यू साहिल। युवराज सिंह, मैडम आपकी आवाज़ बहुत मीठी है और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि दिन आप दुनिया की बेहतर सिंगर बने। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। जावेद अख्तर, कैसे हैं आप जावेद अख्तर जी? दीपक कुमार राम जी दावा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। अनुराग दुबे, ब्यूटीफुल, थैंक यू अनुराग। रितेश राजपूत, आप भोजपुरी की शान हो जी, बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार दुलार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी नाइस। दीदी सोनू सरगम विजय, थैंक यू सो मच सोनू जी। दीपक कुमार, नाइस, थैंक्स अलॉट, थैंक यू। सिकंदर बैठा, गोपालगंज जिले की आप गौरव हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण सिंह जी, कैसन बानी, प्रणाम। चाचा जी, कैसन बानी जी दीवा, द्वारिका सिंह जी, बहुत अच्छे हैं, चाचा जी भी अच्छे हैं। विवाह के गीत हो जाए, आपका शिव स्रोत अमेजिंग है। अच्छा, आपने शिव तांडव स्रोत सुना है मेरा, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुझे याद आया कि मैं आप सबको एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने मंत्र भी गाए हैं, शिव तांडव मंत्र। अभी किसी ने लिखा तो मुझे ध्यान आया कि ये भी आपसे शेयर करूँ। शिव तांडव मंत्र गाया मैंने, इसे दुर्गा मंत्र गाया, हनुमान चालीसा, बहुत सारी चालीसा एंड मंत्र भी मैंने गाए, मेडिटेशनल मंत्र भी गाए। ये सब मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, प्रियंका सिंह ऑफिशियल पे। तो मैं आप सबसे चाहूँगी कि आप लोग जैसे मेरे बाकी गानों को प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, वैसे मेरे चैनल पे जाएं, प्रियंका सिंह ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उस पे मेरे जो ये तरह तरह के जो गाने हैं जो मैंने गाए हैं, हिंदी सॉन्ग्स भी मैंने गाया है अपने चैनल के माध्यम से, अच्छे अच्छे गाने, तो वो भी आप सुनिए और बताइए कि आपको कैसा लगता है। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ।
बट बहुत सारा प्यार और दुलार आप सबने दिया मुझे इस लाइव सेशन में. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आपका स्टूडेंट लाइफ का प्रोग्राम है, लोग देखा करते थे बिहार विकास विद्यालय में, रवीश राज सिलू. जी जी, मैं वहाँ पढ़ी हूँ बिहार विकास विद्यालय में. वहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे तो मैं हिस्सा लेती थी हमेशा. मीन स्टेडियम अंबेडकर भवन में प्रोग्राम होता था और ज्ञान भारती स्कूल में पढ़ती थी मैं. वहाँ से डीएवी में पढ़ी मैं, गोपालगंज कॉलेज, गोपालगंज में पढ़ी मैं कॉलेज में. तो वहाँ सबका बहुत सारा प्यार, सारे टीचर्स का हमेशा मिलता था मुझे, सारे जितने टीचर्स हैं मेरे और आप सबका भी. और बहुत शुक्रिया आप जी. बात कर रही हूँ मैं, अभी जा नहीं रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए. अभी मैं हूँ, अभी बात कर रही हूँ आप सबसे. बिट्टू विद्यार्थी, बेस्ट सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री. जी बहुत थैंक यू आपका, थैंक्स फ्रॉम माय हार्ट. थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार देते हैं. मैंने सारे सॉन्ग सुने हैं आपके. ओके, क्या बात है, यानी कि आपने सुने हैं मेरे चैनल के गाने. थैंक यू सो मच. नाइस सॉन्ग, हमेशा सुनता हूँ. धर्मेंद्र कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका. द्वारिका सिंह, चैनल पे हम कमेंट करते हैं आप रिप्लाई नहीं देती हैं. जी मैं माफ़ी चाहूँगी, एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लेकिन मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं कमेंट जो भी पढ़ती हूँ उसकी रिप्लाई देती हूँ. आप चेक करिए, बट अगली बार मैं आपका ढूंढ के कमेंट जरूर रिप्लाई करूँगी आपको. राजीव कुमार शाह, महुआ टीवी चैनल पे आपका प्रोग्राम देखकर आपका सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है. जी बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच. आई मिस यू अरुण विश्वकर्मा. दूगर अकलेवानी में जो कमेंट किए हैं वो सुना दीजिए प्लीज. राम भोपाल जी, उसका जो कमेंट है वो अभी मैं सुनाऊंगी, तो वो गुस्से वाला कमेंट है. और अभी मैं खुश हूँ आप सबसे बात कर रही हूँ, तो मैं भी गुस्सा क्या है, मैं लाना पड़ेगा वैसा कमेंट देने के लिए, तो मैं अभी चाहती नहीं हूँ. वो आप गाने में ही जो कमेंट है उसमें गुस्से वाला, वो आप सुन लीजिए. और इस वक्त के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि वो कमेंट जो है वो गुस्से में बोला था मैंने, और गुस्सा दिलाना पड़ेगा, तो अगर गुस्सा आएगा तो फिर बातें नहीं हो पाएंगी, मूड चेंज हो जाएगा इसलिए. और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि मैं गुस्सा करूँ अभी उस डायलॉग्स के लिए. उन डायलॉग्स के लिए व्हाई डोंट यू एक्ट इन भोजपुरी जावेद अख्तर. मैं एक्चुअली एक्टिंग नहीं करना चाहती अभी फ़िलहाल. मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ से पूरे भोजपुरी जगत में, पूरे हिंदुस्तान में, विश्व स्तर पे अपनी आवाज़ को बिखेरना चाहती हूँ, अपनी आवाज़ को ही पहचान बना के चलना चाहती हूँ. और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, इसलिए मुझे एक्टिंग अभी मैं नहीं चाहती करूँ. अगर ऐसा कुछ मुझे लगेगा कि जिसमें मुझे मेरा जो पर्सनल गाने हैं उसमें मैं थोड़ा बहुत एक्ट कर लेती हूँ, तो फिलहाल इतने में ही मैं हैप्पी हूँ. और एक्टिंग का मुझे वैसा शौक नहीं है, बट फ्यूचर में देखेंगे, अगर मुझे कुछ लगा तो ज़रूर ट्राई करूँगी. सब लोग पूछते रहते हैं ये चीज़, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ से ही पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में भोजपुरी का परचम लहराऊँ. और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर. दीदी जी नमस्ते. कुंदन राज जी नमस्कार. जयप्रकाश यादव, जय हिंद. कुंदन कुमार, जय हिंद, जय भारत. नाइस. मिठू बेदर्दी, दू गोरखले बानी सॉन्ग बहुत अच्छा लगा. जी जी बहुत थैंक यू आपका. पवन भैया के साथ आपकी जोड़ी लाजवाब है. जी बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग हमारी जोड़ी को पसंद करते हैं. ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखिए. और जल्द ही हमारा एक और गाना आने वाला है, सैड सॉन्ग है, उसको भी प्यार दीजिए, दुलार दीजिए. आपको गुस्सा भी आता है क्या डियर? जी गुस्सा तो हर किसी को ही आता है. और क्या होता है कि किसी किसी गाने में जो है वो गुस्से वाला गाना है, तो वो वैसा माहौल क्रिएट करना पड़ता है कि सिंगर जो है वो, मतलब मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता. पर तो उस गाने को गुस्से में गाना था तो वो आ नहीं रहा था, तो वैसा क्रिएट किया गया स्टूडियो में कि गुस्सा आए तो वो डायलॉग्स मैं बोलूँ या गा पाऊँ, तो ऐसा है सीन.
आप लास्ट नेताजी इंदौर स्थित इन कोलकाता में मिले थे? ओके, यानी आप आए थे वहाँ पे, क्या बात है। दीपक सिंह वाना वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट विथ यू, या डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी इन माई इनबॉक्स फेसबुक पेज एंड यू कैन कनेक्ट मी। पंडित चंदन कुमार दुबे, साड़ी लोली पहनी गहनवा वाला गाना सुना दीजिए। ओके, ये गाना मैंने सुर संग्राम में गाया था और मुझे भी बहुत पसंद है। निर्गुण है ये, इसको आई थिंक भर शर्मा जी ने, माननीय भर शर्मा जी के गाया हुआ ये गाना निर्गुण। पहली बार मैंने गाया था सुर संग्राम में इस गाने को, दो लाइन आपको जरूर सुनाऊंगी क्योंकि मुझे भी ये अच्छा लगता है, इसलिए बीच बीच में गाना भी सुनाइए। जी जरूर सुना ही रही हूँ। पसंद है और मैं गाती हूँ हमेशा हर मंच पे, और भारत शर्मा जी का गाया हुआ निर्गुण है ये। और काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं, भानु प्रताप सिंह, वाह जी, कैसे हैं भानु प्रताप भाई साहब, नमस्कार प्रणाम। अब कब आना है आपको लाइव डियर? जब आप लोग आवाज़ देंगे मैं लाइव आ जाऊँगी।
नाइस सॉन्ग राकेश सिंह, थैंक यू सो मच। पंडित चंदन कुमार दुबे, आपको बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला था कोलकाता में, मैं वहीं पर रहता हूँ। ओके जी, मिला था, ये सब आप सबका ही आशीर्वाद है, प्यार है, और इसी की वजह से मैं हूँ। जय हो भोजपुरी। और काफ़ी सारा कमेंट स्किप हो जा रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और मुझे मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, एक बार सुना दीजिए आपका और आपके फैन लोगों का, और मेरा परफेक्ट गाना रविश राय सिलू जी। ये गाना जो है वो मेरे जीवन का पहला गाना है जिससे मैंने शुरुआत की थी, और आप सबको याद है अभी तक, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता लगता है कि आप लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे, कितना आशीर्वाद देते हैं, चीज़ों को मेरे सुनते हैं यानी देखते हैं, तभी आपको याद है, क्योंकि ये बचपन में शुरुआत मेरी इसी गाने से मैंने की थी, और ज्ञान भारती स्कूल से इस गाने को मैंने गाया था स्टेडियम में अम्बेडकर, और आप सब ने बहुत प्यार दिया था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और आप सबको याद है। पल पल दिल के पास ट्राई करो इफ़ पॉसिबल, दीपक सिंह जी। ज़रूर, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था फेसबुक पर, और मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ये गाना गा के अपलोड करूँगी अपने फेसबुक पे। मुझे याद है आपका कमेंट मैंने देखा था। तो आइए मेरे वतन के लोगों, दो लाइन आपको सुनाती हूँ। इस गाने से मुझे भी बहुत प्यार है, मेरे जीवन का पहला गाना है जो मेरे मुख से निकला था, लता मंगेशकर जी का ये गाना है जो मेरी आइडल रही है शुरू से।